हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल ग्लॉसम। आज इस वीडियो में हम लेगिंग्स और जेगिंग्स के बीच का डिफरेंस जानने वाले हैं कि इन दोनों के बीच मेन डिफरेंस क्या होता है, कैसे पहचाने कि कौन सा लेगिंग्स है और कौन सा जेगिंग्स है। इस टॉपिक को लेकर सभी ज़्यादातर लड़कियों के दिमाग में एक कन्फ्यूज़न बना रहता है, वो हमेशा ही लेगिंग्स और जेगिंग्स के बीच कन्फ्यूज़ रहती हैं। तो ये वीडियो आप एंड तक देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए ही है। इसको देखने के बाद से आपके दिमाग का सारा कन्फ्यूज़न बिल्कुल ही क्लियर हो जाएगा। ओके, तो चलिए बिना वक्त गवाएं अब डिफरेंसेस को जानते हैं और जानते हैं कि लेगिंग्स और जेगिंग्स में क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लेगिंग्स की। ये जो लेगिंग्स होता है वो टाइट फिटिंग स्ट्रेच ट्राउज़र होते हैं, यानी काफ़ी ज़्यादा ये स्ट्रेच होता है, स्ट्रेच मटेरियल से बना होता है और ये काफ़ी ज़्यादा कम्फर्टेबल भी होता है। और इसका जो फैब्रिक होता है ये ज़्यादातर कॉटन होता है, जर्सी होता है, और ठंडी के दिन में पहनने के लिए ये वुलन फैब्रिक में भी लेगिंग्स अवेलेबल होते हैं। और इसके जो कलर और डिज़ाइन होते हैं ये बहुत ही ज़्यादा कलर्स और डिज़ाइन में अवेलेबल होता है। अब हम बात करते हैं इसका फील और कंफर्ट की। तो ये टच करने में बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं, ये जेगिंग्स के कंपैरिजन में ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं और बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल भी होते हैं। और इसे जिम्स, वर्कआउट ओकेशंस, कहीं भी इसे बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबली पहना जा सकता है। ये किसी भी तरह के कपड़े लाइक टॉप के साथ पहना जा सकता है, शॉर्ट कुर्ती, लॉन्ग कुर्ती, फ्रॉक, एनीथिंग, किसी के साथ भी ये बहुत ही ज़्यादा स्टाइलिश और एलिगेंट लुक प्रोवाइड करता है। तो ये लड़कियों में बहुत ही ज़्यादा फेमस है, बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड में है, क्योंकि ये हर कलर में अवेलेबल होता है। इसे किसी भी कपड़े के साथ ईजिली पहन सकते हैं और ख़ुद को एक ब्यूटीफुल लुक दे सकते हैं। तो इसलिए ये बहुत ही ज़्यादा लड़कियों और औरतें पहनना इसे पसंद करती हैं। और होप कि आपने पिक्चर्स को भी मेरे वर्ड्स के साथ कनेक्ट किया होगा, तो आप देख सकते हैं कि इसे ही लेगिंग्स कहते हैं। हम लड़कियों के दिमाग में लेगिंग्स को लेकर चीज़ें तो क्लियर होती हैं, लेकिन जब जेगिंग्स और लेगिंग्स दोनों की बात आती है तब ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है कि इसे लेगिंग्स बोले या जेगिंग्स। ओके, तो अब बात करते हैं जेगिंग्स की। ये जो जेगिंग्स होते हैं ये भी टाइट फिटिंग स्ट्रेच ट्राउज़र होते हैं, ये भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेच मटेरियल से बने होते हैं। और ये लेगिंग्स और डेनिम जींस के बीच का कॉम्बिनेशन होता है, मतलब इन दोनों लेगिंग्स और जींस दोनों का एक कॉम्बिनेशन होता है। ये पॉलिस्टर स्पेंडेक्स फैब्रिक से बनाए जाते हैं। ये जो पॉलिस्टर स्पेंडेक्स फैब्रिक होता है ना, तो ये काफ़ी ज़्यादा मतलब स्ट्रेच होता है। ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेच होने की वजह से क्या होता है, इसके हम पहनने इस तरह के फैब्रिक पहन जब कोई पहनते हैं हम, तो ईजिली मूव कर सकते हैं, बैठ सकते हैं, उठ सकते हैं, दौड़ सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो ये जो पॉलिस्टर स्पेंडेक्स यानी कि काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेच फैब्रिक होता है, तो ये जेगिंग्स जो होते हैं वो पॉलिस्टर स्पेंडेक्स फैब्रिक के बनाए जाते हैं। और इनका ये जो कलर होता है, तो क्योंकि हम जानते हैं ये जो जितने भी जेगिंग्स होते हैं वो जींस का लुक प्रोवाइड करते हैं, यानी देखने में ये जींस की तरह दिखते हैं, इसलिए इनका कलर और डिज़ाइन सब कुछ एक जींस की तरह ही किया जाता है। यानी जिस तरह से आप एक डेनिम जींस को देखते हैं, जिस तरह से आपको फील होता है, वैसे ही अगर आप जेगिंग्स को देखेंगे तो आप बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो जाएंगे कि ये जींस है या जेगिंग्स है, क्योंकि जेगिंग्स को एग्जैक्टली जींस का आप उसे कॉपी कह सकते हो, डुप्लीकेट कह सकते हो। ओके, तो अब बात करते हैं कि ये कैसा मतलब इसे फील कैसा होता है पहनकर। तो ये जो ये जेगिंग्स जो होते हैं वो लेगिंग्स के कंपैरिजन में थोड़े रफ़ होते हैं, लेकिन ये जींस के कंपैरिजन में यानी जींस के कंपैरिजन में थोड़े सॉफ्ट होते हैं, लेकिन ये रफ़ जींस के कंपैरिजन में रफ़ होने के बावजूद भी ये काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं। मतलब लेगिंग्स भी कंफर्टेबल होता है एज वेल एज जेगिंग्स भी कंफर्टेबल होता है। और अब इसे बनाया क्यों गया है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि ये जो डेनिम जींस है वो बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड में है, काफ़ी साल पहले से इसे बहुत ज़्यादा लड़कियाँ पहन रही हैं। क्यों? क्योंकि ये एक आउटफिट लुक देता है, एक एलिगेंट लुक प्रोवाइड करता है, इसे कहीं भी पहन के जाना बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है, हम ईजिली इसे पहन सकते हैं। सभी ने इसे बहुत तेज़ी से अपनाया है, लेकिन हम ये सभी बहुत अच्छे से जानते हैं जो जींस का फैब्रिक होता है वो काफ़ी ज़्यादा थिक होता है और साथ ही साथ बहुत ज़्यादा रफ होता है, जिसकी वजह से विंटर में तो ठीक है बट समर सीजन में काफ़ी प्रॉब्लम्स होती हैं, हमें पहनने में बहुत ही ज़्यादा उसे प्रॉब्लम्स होती हैं, लेकिन फिर भी अच्छा दिखता है इसलिए लड़कियाँ पहनती हैं। तो इस प्रॉब्लम्स को ख़त्म करने के लिए ही एग्जैक्टली हमें जींस का डुप्लीकेट ला कर दे दिया गया, यानी जेगिंग्स। वो जींस से ज़्यादा सॉफ्ट होगा, जींस से ज़्यादा थीन मटेरियल से बना होगा, लेकिन देखने में बिल्कुल जींस का लुक देगा, जिससे क्या होगा कि हम उसे पहन के कंफर्टेबल भी रहेंगे, हमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी, और साथ ही साथ जींस की तरह एक आउटफिट लुक भी मिल जाएगा। तो आप समझ गए होंगे कि जेगिंग्स को क्यों बनाया गया और वो किस तरह से दिखता है। और ये जो जींस ये एग्जैक्टली जींस की तरह दिखते हैं, इसमें जो जींस की तरह इसे दिखने के लिए कई बार फेक पॉकेट होते हैं, जिप्स होता है, बटन लगाए जाते हैं, और कभी कभी ये फेक ना होके ओरिजिनल भी होते हैं, यानी इसमें पॉकेट हो सकता है, जिप्स हो सकता है और बटन हो सकते हैं। तो ये होते हैं जेगिंग्स। इसे भी आप कहीं भी वर्कआउट के समय यूज़ कर सकते हो, ओकेशंस में, जिम्स में, कहीं भी यूज़ कर सकते हो, इसे भी आप कंफर्टेबली पहन कर मूव कर सकते हो, दौड़ सकते हो, चल सकते हो। तो ये रही जेगिंग्स की बात। होप कि आप समझ गए होंगे कि लेगिंग्स किसे कहते हैं और जेगिंग्स किसे कहते हैं।
अब अगर आपके सामने कोई भी लेगिंग्स और जेगिंग्स आ जाएगा तो आपको उसे पहचानने में प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन साथ ही साथ इसके साथ आपका एक टास्क ये है कि आपको इन पिक्चर्स को देखकर जो आपके सामने आ रहे हैं, इनमें से आपको बताना है कि कौन सा लेगिंग्स है और कौन सा जेगिंग्स। तो होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स में भी शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप खुश रहिए, ख्याल रखिए और घर में सुरक्षित रहिए।